गुजरात आए हैं तो आप लोग को एक एक चीज़ दिखाएंगे गाइस, एक एक चीज़ दिखाएंगे गुजरात आने का। तोड़ो मत, ये देखिए ऐसे, ये कपास की खेती है गाइस, ये कपास की खेती होती है सारी रुई है। मालिया डिस्ट्रिक्ट है 10 किलोमीटर यहाँ से, ये कच्छ भुज के रास्ते में पड़ता है, एक स्थान है ऐसा। और ये जो है सारी कपास की खेती हो रही है, यहाँ पे कोई गेहूँ चावल नहीं हो रहा, सीधा सब बबूल का खेती खेत है। कहीं भी देखेंगे सब बबूल का पेड़ है, ना आम का है, ना इमली का है, ना किसी चीज़ का, सब बबूल ही है। यहाँ पे देखिए रेड़ी भी होती है, अरंडी का तेल जिसको बोलते हैं, अरंडी का तेल तो वो भी यहाँ होती है। सोचिए इस वीराने जंगलों में भी लोग कुछ न कुछ गुजराती जो होते हैं, कम आपको पता कितने मेहनतकश होते हैं, वो सोना उगा लेते हैं रेगिस्तान में भी। अभी हम आपको जब दिखाएंगे कच्छ जा रहे हैं, अहमदाबाद से 400 किलोमीटर है, वहाँ पे केवल रेगिस्तान हम लोग देखने जा रहे हैं, लेकिन इतना खूबसूरत बना हुआ है। अभी आपको मैं ये दिखाते हैं, देखिए ये देखिए ये रुई हुई है ये ऐसे, ये देखिए बहुत महंगा बिकता है ये, पता नहीं कितना रुपए किलो देते हैं ये लोग। ये कपास की खेती है, देखिए सब कपास खेती है। और गुजरात में आपको हम आगे ना आपको हम दिखाएंगे नेक्स्ट, यहाँ पे लाइट कैसे बनती है, बिजली कैसे पैदा होती है, जबकि यहाँ पे पानी भी नहीं है, कोई नदी बांध नहीं है, ये केवल एक सरदार सरोवर बांध है। पर मोदी जी ने जब 2001 में बने थे मंत्री, उसके बाद यहाँ पे पूरी बिजली हो गया। तो बिजली कहाँ से पैदा हुई गाइस, आप बने रहिए हमारे साथ, आपको हम जरूर दिखाएंगे आगे, आपको बिजली कैसे बन रही है आपको दिखाऊंगा मैं। फिलहाल देखिए आप कपास की खेती, तो अभी देखिए आप लोगों को दिखाता हूं मैं ये रुई है कपास की खेती। यहाँ पे मैंने देखा कहीं पे गेहूँ चावल कुछ एक स्थान होंगे जो होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता यहाँ पे, जगह जगह सब बबूल का ही पेड़ है, कोई आम का नहीं है, कोई कुछ किसी चीज़ का है ही नहीं, केवल है। और अरंडी का है, अरंडी का तेल होता है ना रेड़ी, उसका तेल वहाँ भी रेगिस्तान में मतलब पैदा कर रहे हैं लोग, मतलब गुजराती लोग इतने मेहनतकश होते हैं कि वो जो है एक समझिए कि रेगिस्तान में भी सोना उगा रहे हैं, जहाँ की कुछ भी नहीं होती, मरुभूमि होती, मतलब मरी हुई भूमि में कुछ भी नहीं होता, वहां से भी वो सोना उगा रहे हैं। तो ये देखिए गुजरात में बड़े मेहनतकश लोग हैं, ये सारा कपास की खेती है, कहीं भी आप चले जाइए सारे जगह देखिए कपास की रुई है। हम लोग रास्ते में जा रहे थे, देखे कि चलो भाई ठीक है देख लेते हैं। और अभी हम आपको दिखाएंगे कि गुजरात में कोई पानी नहीं है, लेकिन यहाँ बिजली कैसे पैदा होती है, आपको आगे चल के हम दिखाते हैं यहाँ पे बिजली कैसे होती है, क्योंकि यहाँ पे ना पानी है, केवल ले देंगे एक सरदार सरोवर डैम है उसी से होती है, लेकिन अभी क्या है पीने का भी होता है। आपको गुजरात में 8 घंटा बिजली नहीं होती थी, पर अभी 24 घंटा बिजली होती है, माननीय मोदी जी की देन है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि बिजली कैसे पैदा होती है, जो कि यहाँ कुछ भी नहीं है, आप हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि बिजली कैसे बन रही है यहाँ गुजरात में। रुक जाओ, सबर करो, थोड़ा सबर करो, रुक जाओ, क्या कह रहे हो? मुंबई कहाँ से? हाँ, अरे राजेश भाई चलो, कहाँ हो गया? बहुत
अरे यार सफर रुक जाओ रुक जाओ। अरे यार तो ना बोले हम। अरे यार अब वो चीज हमको बहुत दिखाओ पड़ी फिर जो हम कहाँ से बोल रहे हैं वो सारे इतने इसमें नहीं बोल सकते। तो अभी जो है ना समुद्र देखना है ना, रंगीनियत देखना है ना आप लोग को। अभी रुक जाओ सबर करो थोड़ा सबर करो अभी कल छोले फिर अभी तो आसमान में उड़ाएंगे तुम्हारे लोग को। तो 2000 रुपये निकाल के प्राकृत समय को दे देना अभी तो आसमान में भेजेंगे पूरे पूरे पाकिस्तान दिखाएंगे। लौट के आओगे क्यों चिंता कर रहे हो राजस्थान में डांस वैसे तो तुम्हें तो ना ऊपर भेजो वो तुम्हें लाई नहीं जाये ऊपर राजेश के ले जाए राकेश के ले जाएगा हमें ले जाएगा लल्लू राम को बागा। अभी तो ये वाला कर लो इसके बाद ही तो कहानी स्टार्ट है। हम कहा तुम लोग को पहले बताएं इसके बाद ही सारी कहानी होएगी। हाँ तो मुंबई वगैरह वो सब गोवा तो भाई गोवा है गोवा की तो बात ही अलग है गोवा की तो बात ही अलग है राजेश भाई। गोवा को कोई नहीं पा सकता मुंबई कोई नहीं पा सकता दिल्ली कोई नहीं पा सकता। अभी तो तुमको बैकग्राउंड पर लेके चलूंगा पासपोर्ट बनवा लो कह रहा हूँ तुमको बोले तो सोलह पासपोर्ट बनवा लो तुम तो तुम्हारे लिए बैकग्राउंड है बताया ले चलेंगे तुमको बनाया क्यों नहीं बनेगा। अच्छा तुम्हारा क्या है तो यार खराब कर सेटिंग कर लो मेरा पासपोर्ट बने भैया। हाँ तो बनवा लेना लेकिन भाई एक्सपायरी रहे बने का समझना। चलो ठीक है बात कर लो बात का मतलब ऐसे ही ना रहा पता चला बनवाई जूरे पैसे खर्चे गए फिर उसके बाद हमारा समय खत्म हो गया। अरे पहले तुम्हारा काम खत्म हो जाए बल्कि ठीक है लेकिन ऐसा ना हो कि बने और हम लोग पक्का कर ले तुम्हारा ही ना बने नहीं बन जाए। हाँ ये ध्यान रख लेना।
पाइप बनाया जाता है, मिट्टी बना रहे हैं, पानी इकट्ठा करकर जो है जगह जो है ना ये टाइल्स बनते हैं यहाँ पे। ये पूरा जितना दूरी आप देख रहे हैं पूरा प्लेन है। यहाँ पे रेंट पे ले के लोग बाहर से आते हैं, जो धंधा काम करने वाले लोग लेके सिर्फ पानी जमाते हैं, पानी इकट्ठा करने के बाद इसमें केमिकल डालते हैं, सुखवाते हैं। वहाँ दूर देखिए आप, वहाँ इकट्ठा किया हुआ है और टाइल का पाउडर बनाते हैं, फिर वो टाइल को जैसे ईट बनती है उसी तरह जमा के बनाया जाता है। यहाँ से ये सूखा पाउडर जाके एक बोरी में फैक्ट्रियों में जाता है, वहाँ पे जो है बनता है। आप देखिए हर दूर दूर तक सब वही है। ये जामनगर डिस्ट्रिक्ट से 130 किलोमीटर पहले पड़ता है ये। जब रन आप जाएंगे भुज और रन कच्छ, वहाँ से उसके बीच में जामनगर पड़ता है, वहाँ का है ये। ये तो हम लोग रन जा रहे थे, चलिए ठीक है रास्ते मिला हमको, चलो इसको भी ले लेते हैं। आपसे वादा किया है गाइड कि आपको पूरा गुजरात अच्छे से हम दिखाएंगे, क्या क्या जगह है यहाँ देखने के लिए।